लेसन है हमारा व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी, दोनों का मतलब वही है, बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है कंट्री का। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या होगा? आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप क्लास है, लेकिन क्लास में कोई क्लास टीचर नहीं है, स्कूल में कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो क्या होगा? कन्फ्यूजन और नॉइज। इम्पॉर्टेंट डिसीजन कौन लेगा? बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना है, क्लास में बच्चों को कैसे बिठाना है, कैसे पीरियड्स बनाने हैं, कौन टीचर क्या पढ़ाएगी? प्रिंसिपल नहीं है, मान लो कौन सी टीचर क्या पढ़ाएगी, कितनी देर पढ़ाएगी, सिलेबस क्या होगा, ये सब कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो ऐसे ही कंट्री के ऊपर जब गवर्नमेंट नहीं होगी तो कंट्री में क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन और नॉइस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लोग आपस में अच्छे से काम कर चुके मिलकर, गवर्नमेंट चाहिए होती है। अब कहते हैं जो पावर और फंक्शन होते हैं ना गवर्नमेंट के, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अलग अलग होते हैं। देखो गवर्नमेंट भी जो होती है ना वो अलग अलग तरह की होती है। कहीं डिक्टेटरशिप होती है, चुनाव नहीं होते, एक ही होता है कंट्री का हेड और वो अपनी मर्जी से कंट्री को गवर्न करता है। एक होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहाँ पे लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं और फिर जिन लोगों को हम चुनते हैं, लोग चुनते हैं, वही लोग गवर्नमेंट को चलाते हैं, जैसे इंडिया में है। अब मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स पॉलिटिकल डिसीजन टू रन अ कंट्री। तो गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो पॉलिटिकल डिसीजन लेती है कंट्री को चलाने के लिए, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। इलेक्शंस होते हैं ना, नेता खड़े होते हैं ना, ये सारा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो वही चुनाव लड़ती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, जो जीतती है वो गवर्नमेंट बनाती है और वही फिर कंट्री चलाती है। इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द पीपल और कंट्री और अ स्टेट। तो ये लोगों का ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी कंट्री को कंट्रोल करने के लिए या स्टेट। किसी कंट्री की भी अपनी गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे इंडिया की एक पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट है जहाँ अभी पीएम नरेंद्र मोदी हैं, और सब स्टेट्स जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब, इनकी भी अपनी एक अलग गवर्नमेंट है जिनके अलग अलग चीफ मिनिस्टर हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट को चलाते हैं। इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ अ रीजन और अ कंट्री। किसी भी कंट्री का या जगह का ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब काम करने वाला, ओके, जैसे ऑफिसर्स वगैरह में होता है ना, ऐसे ही। इट इज़ अ सिस्टम बाई विच पीपल आर गवर्न्ड। ये वो सिस्टम है जिससे लोगों पे गवर्न, गवर्नमेंट का वर्ब है गवर्न, गवर्न किया जाता है। गवर्नमेंट एक्सप्रेसेस द विल ऑफ द स्टेट, नीड फॉर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी सोसाइटी में इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ वास्ट नंबर ऑफ इट्स मेंबर कैन नॉट बी सेम। वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा, एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और उन सब लोगों का चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे वो जो चाहते हो, उनकी सोच, उनकी प्रॉब्लम्स, वो क्या चाहते हैं, वो सब सेम नहीं हो सकता। सोसाइटी में तो छोड़ो, एक घर में भी सेम नहीं होता। एक घर में अगर 5-6 मेंबर्स हैं तो उनकी भी थिंकिंग और इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, तो ऐसे एक सोसाइटी तो बहुत बड़ी हो जाती है, कंट्री तो और बड़ी हो जाती है। द क्लैशेज ऑफ इंटरेस्ट अमंग द पीपल और ग्रुप्स कॉज कॉन्फ्लिक्ट एंड लॉनेस। अब यहीं जो क्लैशेज होते हैं कि कोई कुछ और चाहता है और कोई कुछ और चाहता है, सबकी जो चाहते हैं वो अलग अलग है लोगों की, इसकी वजह से झगड़े हो जाते हैं और कोई कानून नहीं रहता, लॉलेसनेस। तो इन सच सिचुएशन माइट कैन बिकम राइट, माइट कैन बिकम राइट। जो ताकतवर है वो जीत जाता है, जो ताकतवर है वो जीत जाता है। तो रिस्टोर लॉ, तो वो कानून बनाए रखो, तो टू इंश्योर कॉरपोरेशन अमंग पीपल टू मेक कलेक्टिव डिसीजंस। लोग इकट्ठे हों, एक साथ एक दूसरे के साथ सहयोग करें और एक अच्छा डिसीजन लें, कलेक्टिव यानी वो लोग एक किसी डिसीजन पे आ जाएं, कोई अलग अलग ना बोले। एंड टू गेट थिंग्स डन। अब ये चीज़ें ढंग से हों, हमें एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और यही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? गवर्नमेंट। फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है? द गवर्नमेंट अफेक्ट अवर डेली लाइफ में मैनी वेज, अलग अलग तरह से हमारे उस पर असर डालती है। क्या क्या है? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, इट इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री। कंट्री में लॉ और ऑर्डर बना रहे, यानी लोग ढंग से रहे, लोगों के बीच में कोई झगड़े ना हो। इट मेक्स एंड इम्प्लीमेंट लॉ फॉर द पर्पस, और इसी कारण के लोग ढंग से रहें, अच्छे से रहें, तो गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है और उनको लागू करती है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, क्राइम होता है, तो गवर्नमेंट कोर्ट के थ्रू उसको सॉल्व करती है,
कोर्ट भी एक गवर्नमेंट का पार्ट है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट अपना इंडिपेंडेंट काम करता है। कोई भी नेता, पीएम हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो पावरफुल, वो कोर्ट के जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, कोर्ट के जजेस को नेताओं से कोई डर नहीं लगता। बेसिक प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज, गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के अच्छे के लिए काम करती है। अब हमारे घरों में सुबह पानी आता है, गवर्नमेंट के स्कूल्स चलते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स चलते हैं। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में कितना सस्ता में काम होता है, यहीं आप प्राइवेट में जाओ तो कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट ये सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करती है। द इट प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ टू द पीपल, सच एज, क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज़ है? एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक बसेस चलती है ना, मेट्रो भी चलती है, वो गवर्नमेंट के अंडर है, इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये गवर्नमेंट ये काम ना करे ना, तो ये सर्विसेज हमें बहुत महंगी मिले और बहुत सारे लोग तो इनको अफोर्ड भी ना कर पाए। रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, स्कूल हॉस्पिटल बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी देती है, रेलवे सर्विसेज देती है। तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर ऑल द सिटीजन हैव इनफ टू ईट। अब ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि कोई भूखा ना मरे, ठीक है। और ये प्राइजेस कमोडिटी के कंट्रोल करती है, मतलब कोई अगर मान लो किसी भी चीज़ के प्राइस, कमोडिटी मतलब चीज़, किसी भी चीज़ के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ता है और सस्ते करने पड़ते हैं। अब जैसे कैसे, अनियन है, मान लो अनियन इंडिया में बहुत महंगा हो गया, 100 रुपये किलो हो गया। तो और क्योंकि कम महंगा क्यों होता है, क्योंकि जब चीज़ कम हो जाती है, ख़राब हो जाती है या कम हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट कर लेती है, खरीद लेती है और फिर कंट्री में बेचती है, तो वो सस्ते हो जाते हैं उससे। तो इसको कहते हैं प्राइस को कंट्रोल करना। फिर वो जो पहले 100 रुपये की चीज़ मिल रही थी, वो 50 की मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सप्लाई बढ़ा दी, तो गवर्नमेंट सस्ते में उसे बेचती है। इट टेक एक्शन ऑन सोशल इशूज, सोशल इशूज़ पे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, इट मेक सेवरल प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाती है और इम्प्लीमेंट बनाती है लोगों को हेल्प करने के लिए। अभी जैसे तुम देखो, अब मोदी गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है, मुद्रा लोन स्टार्ट किया है ना, कि भाई जॉब्स तो इतनी मिल नहीं रही हैं, तो वो कह रहे तुम बैंक से लोन लो और अपना काम खोल लो, क्योंकि लोग गरीब होते जा रहे हैं, उनको नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं, तो काम खोल लो। इट ऑल्सो मेक्स वेरियस लॉज टू प्रिवेंट फीमेल फीटिसाइड्स एंड इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब है, लॉ बना दिया है। होता क्या है कि जो लोग हैं ना, उन्हें पता चल जाए ना कि लड़की हो रही है, तो वो लड़कियों को मार देते हैं, पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। अल्ट्रासाउंड होता है ना लेडीज़ का, तो पता चल जाता है। तो अगर कोई भी ये पता करवाएगा ना कि लड़का हो रहा है या लड़की हो रहा है, तो ये लॉ है। अगर कोई तो पहले बताएगा ही नहीं, और जो ये इलीगल काम करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा, सज़ा होगी। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिले, रिसोर्सेज सबको बराबर बराबर मिले, गवर्नमेंट भी ये इंश्योर करती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज मतलब सरहद की रक्षा करना है ना, बाउंड्रीज, कोई हम पे अटैक ना कर दे। तो इट प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज फ्रॉम द एनिमीज कंट्री, जो एनिमी कंट्री है उनसे बचाती है। मेंटेन पीस रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, और दूसरी कंट्री के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप बनाना गवर्नमेंट का काम होता है। अब इंडिया का देखा है ना, बाहर की कंट्रीज से ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप है। अंडरटेक रिलीफ मेजर, मान लो कहीं भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, तो NDRF की टीम भेज दी गवर्नमेंट ने, न्यूज़ में सुनते हैं ना, NDRF की टीम भेज दी, तो गवर्नमेंट जो है वो NDRF की टीम्स को भेजती है, जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, इन लोगों को बचाते हैं। इन द केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एड, एड मतलब मदद, असिस्टेंट मतलब भी हेल्प, वही लोगों को मदद देती है, खाने का दे, रहने का दे, जैसे भी दे। मेक लॉ फॉर एवरी वन, हर एक के लिए क्या बनाती है, लॉ। गवर्नमेंट मेक रूल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ ईच ऑफ इट सिटीजन, हर कोई सिटीजन नागरिक अच्छे से रह सके, इसके लिए गवर्नमेंट राइट्स, जो हमें राइट्स मिले हुए हैं ना, उनको अगर कोई छीनेगा तो उनको लॉ है, उनके लिए कोई छीन नहीं सकता। ओके, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल डिफरेंट ग्रुप में क्लैश विद ईच अदर, कहते हैं लोग, वही है ना, लोगों के इंटरेस्ट कम्युनिटीज़ या ग्रुप में क्लैश करते हैं, मतलब मैच नहीं करते, कभी कभी तो झगड़ा हो जाता है, एक कहता है ये मुझे चाहिए, दूसरा कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, तो कम्युनिटी कलेक्टिव डिसीजन लेती है लोगों के बिहाफ पे बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। यानी जिन नेता को हम चुनते हैं, जो गवर्नमेंट में बैठते हैं, वो पार्लियामेंट में ऐसे लॉ बनाते हैं जो हम लोगों को, कंट्री के सब लोगों को मानने होते हैं और सब मानते भी हैं। एवरी वन हु लिव्स इन अ कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज डिसीजंस ऑफ लॉ, तो जो लॉ बना दिया हमको वो मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो कोर्ट जाएंगे, किसी ने कंप्लेन कर दी तो फिर सज़ा हो जाएगी, पनिशमेंट मिलती है। गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इनको लागू करे, मनवाए लोगों से, ठीक है, अमंग ऑल द सिटीजन इट इम्प्लीमेंट्स, यानी जब ये लागू हो गया तो
तो आपको वो मानना ही है, और अगर आप नहीं मानोगे तो आप जेल जा सकते हो, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट ने रूल बना दिया प्रीवेंट चाइल्ड लेबर, यानी कि बच्चों से कोई भी काम नहीं करवाएगा, लेकिन अगर कोई है जो बच्चों से काम कराता है 14 साल से नीचे का, तो उसको जेल हो सकती है और कुछ पैसा भी उसे जुर्माने के रूप में देना पड़ सकता है, पैसों का भी फाइन लगता है। अगर किसी को लगता है कि पर्टिकुलर लॉ बीइंग नॉट फॉलोड, अगर तुम्हारे आसपास तुम्हें लगता है कि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है लेकिन ये बंदा इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप उसके बारे में कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हो, कोर्ट इससे रिलेटेड ऑर्डर देगा, कोर्ट फिर सॉल्व करता है ये इशू जो लोग कंप्लेंट करते हैं दूसरे लोगों के बारे में कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं।